हमें मालूम है साथियों, जब भी दलितों के खिलाफ एट्रोसिटीज की बात होती है, तेलंगाना हैज ऑलवेज बीन अमंग द टॉप 5 स्टेट्स। तेलंगाना का जो पोजीशन है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के हिसाब से तेलंगाना एक ऐसा स्टेट है जहां दलितों के खिलाफ हर रोज कुछ ना कुछ अत्याचार होता है। क्या हुआ उस अत्याचार का, क्या जवाबदेही तय हुई है, क्या पनिशमेंट मिला है, क्या न्याय हुआ है? हैज जस्टिस बिन डन? बाबा साहेब अंबेडकर तो न्याय की बात करते थे। बाबा साहेब अंबेडकर ने जो जो बातें कही थी वो न्याय की बात करते थे, आप अन्याय करते हो। वो सम्मान की बात करते थे, आप अपमान करते हो। वो प्रतिनिधित्व की बात करते थे और आप परिवार के आगे जाने को तैयार नहीं हो। बहुत सारे केसेस जिसका नाम है हमारे पास, नागराज केस में क्या हुआ पूरे देश ने देखा था। नृशंस हत्या कर दी गई थी, ब्रूटल मर्डर वॉज डन इन द मिडल ऑफ द सिटी, इन द हार्ट ऑफ द सिटी, शहर के बीचों बीच दलित समाज की एक युवा की नृशंस हत्या कर दी जाती है। मुख्यमंत्री जी आप शांत रहते हैं, आपने उस परिवार का खबर लिया क्या? क्या प्रॉमिस किया था आपने? पीड़ित के परिवार को सरकारी नौकरी मिलेगी, अ गवर्नमेंट जॉब विल बी गिवन टू द फैमिली ऑफ द बिरीव्ड। व्हाट हैपेंड टू दैट केस? क्या हुआ उस केस का हम पूछना चाहते हैं आपसे। जो तुष्टीकरण की राजनीति आप कर रहे हैं सीएम साहब, द पॉलिटिक्स ऑफ माइनॉरिटी अपीजमेंट दैट यू आर डूइंग चीफ मिनिस्टर साहब, दलित्स ऑफ तेलंगाना, द बैकवर्ड्स, द मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ तेलंगाना आर कीनली वॉचिंग यू। हम लोगों ने भी पैनी नजर बना के रखी हुई है। अगर आप हिसाब नहीं देंगे तो आपका हिसाब किताब आने वाले चुनाव में हो जाएगा, यह स्पष्ट मानिए। प्रीति नायक का केस आया, क्या हुआ प्रीति नायक के केस में, क्या जवाबदेही तय हुई है? समता का केस आया, लक्ष्मी का केस आया, कारण क्या है? इतने सारे केसेस हैं जिनकी सूची है हम लोगों के पास में, उन केसेस में प्रोग्रेस क्या हुआ है हम आपसे पूछना चाहते हैं। हम स्पष्ट रूप से आपके समक्ष दो मांगे रखते हैं। पहला, दलित समाज के लिए, दलित समाज के लिए सरकार ने कितने पैसे कहां खर्च किए हैं इस पे एक व्हाइट पेपर जारी हो। दूसरा, दलित समाज के लोगों के प्रति जो हिंसाएं हुई, एक्सट्रीम वायलेंस, सीरियस एक्ट्स ऑफ वायलेंस दैट पीपल फ्रॉम दलित कम्युनिटीज हैव फेस्ड, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ देयर केस। व्हाइट पेपर एंड अकाउंटेबिलिटी रिपोर्ट आप जल्द से जल्द सीएम साहब, श्वेत पत्र और अकाउंटेबिलिटी रिपोर्ट को जारी करें। प्रतीकात्मक बातों से, सांकेतिक बातों से आगे निकले, तब इस देश का दलित, तेलंगाना के दलित इस बात को समझेंगे कि आपने कुछ किया है। और ऐसा क्यों हुआ कि जब चुनाव आया तब आपको बाबा साहब अंबेडकर की याद आई? 9 साल से आप शासन में हैं, यू हैव बीन इन पावर फॉर द लास्ट 9 ईयर्स। एक बार भी पिछले 9 साल पे ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बाबा साहेब अंबेडकर 14th अप्रैल, ऑन द डेथ एनिवर्सरी ऑफ बाबा साहेब अंबेडकर 6th ऑफ डिसंबर, डिड यू इवन वंस गो टू द स्टैच्यूट एंड पे योर रिस्पेक्ट्स? हैदराबाद के बीचों बीच परंपरा थी, हैदराबाद के जितने वरिष्ठ नेता हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री हर साल आते थे 14 अप्रैल को, 9 दिसंबर को, एक बार भी आप वहां नहीं गए। और जब चुनाव आया तो बाबा साहेब अंबेडकर आपको याद आए हैं। ये इनसेंसिटिविटी है, दिस इज हाइट्स ऑफ इनसेंसिटिविटी, ये असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। 9 वर्ष में, और जैसे ही 10वां वर्ष आया तो आपको याद आया। इसलिए साथियों, आप ये दिखावटी दलित प्रेम से, रिटोरिकल दलित प्रेम से बाहर निकलिए और वास्तव में आपकी मंशा क्या है, आप चाहते क्या है। हम चाहते हैं कि आपको केंद्र की, भारतीय जनता पार्टी
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बीजेपी एनडीए की सरकार से सीखना चाहिए। आज मुद्रा में 50 करोड़ बेनिफिशियरीज हैं। सबसे ज्यादा वर्ग कौन है? दलित समाज के लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, ओबीसी समाज के लोग हैं। स्वच्छ भारत अभियान में 12 करोड़ से अधिक शौचालय बने हैं। सबसे बड़ा लाभान्वित वर्ग कौन है? शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड ओबीसी। उज्ज्वला में 10 करोड़ से अधिक का गैस सिलेंडर मिला है। सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी वर्ग कौन है? शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। आवास योजना हो, आदर्श ग्राम योजना हो, किसान सम्मान निधि योजना हो, क्या कारण है कि 2014 हो, 2019 हो, देश की जनता बार बार भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दे रही है? क्योंकि वो देख रही है। पीपल ऑफ इंडिया कैन सी दैट द रियल एम्पावरमेंट, रियल रिप्रेजेंटेशन बियॉन्ड रेटोरिक, संकेतों और प्रतीकों से आगे बढ़ करके वास्तव में जो हमें सम्मान दे रहा है, हमें प्रतिनिधित्व दे रहा है, हमारा सशक्तिकरण कर रहा है, वो केंद्र की सरकार है। कल्याणकारी योजना हो, संगठन में स्थान हो, पार्टी के अंदर स्थान हो, सरकार में स्थान हो, बहुत सारे उदाहरण हैं। संसद में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी होती है होम अफेयर्स की। पहली बार पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स में एक दलित समाज का व्यक्ति अध्यक्ष बना है, ब्रिजलाल जी के रूप में। आज पद्मश्री, पद्म भूषण जितने भी सिविलियन ऑनर्स हैं, दलित समाज के, आदिवासी समाज के जो लोग हैं, जो हुनरमंद हैं, उनको मिल रहा है। पहली बार 1952 से लेकर के आज तक प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन होता है। भारत के राष्ट्रपति आर्ट एंड कल्चर के कैटेगरी से लोगों को राज्यसभा में भेजते हैं। पहली बार हमने देखा है कि इलैया राजा जी को राज्यसभा में भेजा गया। वो पहले दलित हैं जो कि प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन से राज्यसभा में गए हैं। पार्टी संगठन के अंदर अलग अलग प्रदेशों में अध्यक्षीय स्थान पे, डिसीजन मेकिंग पोजीशंस पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने तय किया है कि दलित समाज के जो युवा हैं, दलित समाज के जो युवतियां हैं, वो नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले कैसे बने। बी जॉब गिवर्स नॉट जॉब सीकर्स, स्टैंड अप इंडिया स्कीम हो, नेशनल एससी एसटी हब स्कीम हो, आज दलित समाज के युवा बड़ी संख्या में स्टार्टअप कर रहे हैं। आपको उनसे सीख लेनी चाहिए थी। तो आपने वो स्कीम तो कॉपी किया, लेकिन आपकी मंशा नहीं थी, इसलिए आपकी दलित बंधु की स्कीम फेल हो गई। दलित बंधु की स्कीम में भ्रष्टाचार पाया गया, जिसको आपने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है। हम पुनः बताएंगे आपको, पुनः ये डिमांड करेंगे आपसे कि वास्तव में यदि आपके हृदय में दलितों के लिए संवेदनशीलता बची है, 1% भी बची है, तो अविलंब श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर जारी करिए। कहां गए सैकड़ों करोड़ रुपए? कितने लोग लाभान्वित हुए हैं? तेलंगाना के किन किन जिलों में लोग लाभान्वित हुए हैं? और दूसरा, एट्रोसिटीज पे अकाउंटेबिलिटी रिपोर्ट। जो हिंसा और अत्याचार हुई है, उसकी जवाबदेही तय करनी होगी। कौन सा केस कहां तक पहुंचा है? अगर आपने नहीं किया तो तेलंगाना के दलित समाज के लोग, तेलंगाना के वंचित, शोषित, पीड़ित समाज के लोग आपको कभी माफ नहीं करेंगे। और आने वाले चुनाव में यही दलित समाज के लोग आपको बता देंगे कि संकेतों और प्रतीकों से आगे बढ़ करके वास्तव में जो लोग कल्याण करते हैं, सम्मान देते हैं, प्रतिनिधित्व देते हैं, सशक्तिकरण करते हैं, हम उनके साथ खड़े हैं।